हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनाली और सोना कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कैबेज की सब्जी। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को 2 मिनट तक गर्म कर लिया है। अब हम इसमें कैबेज डाल देंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 300 ग्राम कैबेज का इस्तेमाल किया है और इसे मैंने छोटे से इस तरह से कट कर लिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अब हम यहाँ पर डाल देंगे एक चम्मच तेल। और इस तेल डाल देने के बाद फिर से हमें कैबेज को फ्राई कर लेना है। इसे हमें तब तक फ्राई कर लेना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो जैसे कि देख रहे हो, इसका कलर गोल्डन तक हो चुका है। तो अब हम तड़के की तैयारी कर देते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है। और अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच राई। जब ये राई अच्छे से चटकने लगे, तब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। जब ये दोनों अच्छे से स्प्लिटर होने लगे, तब हम इसमें डाल देंगे करी लीव्स। यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 से 9 करी लीव्स का इस्तेमाल किया है। तो अब हमारा करी लीव्स यहाँ पर फ्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1 टमाटर और 1 प्याज कटा हुआ। यहाँ पर मैंने बहुत ही बारीकाई से ये टमाटर और प्याज कट कर लिया है। मैं यहाँ पर इसे डाल रही हूँ। एक बार हम इसमें डाल देने के बाद हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसे हमें तब तक फ्राई कर लेना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 पिंच टर्मरिक पाउडर। उसी के साथ हम यहाँ पर डाल देंगे 1 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर। आप अपने स्वादानुसार नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। तो हम इन सभी को डालकर फिर से फ्राई कर लेंगे। इसे अच्छे से घुल मिलने तक हमें फ्राई कर लेना है। और एक बार अच्छे से फ्राई हो जाए, तब हम इसमें डाल देंगे हमारा फ्राई किया हुआ कैबेज। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं कैबेज डाल रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कैबेज डाल देने के बाद इसे फिर से एक बार फ्राई कर लेना है। और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे हमारा तूर दाल। हमारे अच्छे से स्वाद आने के लिए मैं यहाँ पर तूर दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तूर दाल को मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भिगो कर रखा था। अब मैं यहाँ पर 2 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर 2 ग्लास पानी डाल दिया है। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे तकरीबन 10 मिनट तक कुक करने के लिए छोड़ देंगे। हमारी सब्जी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों, आपको रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।